दिया, थोड़ी धूप वगैरह आ गई, बाकी देखो कोई दिक्कत। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो शुरू हो रही है, सुबह सुबह शुरू हो रही है भाई, तुमको टाइम दिखाना चाहूँगा मैं। 10:47 हो रहे हैं यहाँ पे, 10:47 में शुरू हो रही है, बहुत तगड़ी मतलब कि मॉर्निंग हो रखी है। तो मैं ऊपर मौसम वगैरह चेक कर सकते हो, बहुत प्यारा मौसम है। तो आज अपन जाने वाले, तुमको मैं दिखाने वाला हूँ जो बुलेट अपने थोड़े दिन पहले रिवील करी थी, मतलब कि जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाई थी, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह करी थी भाई, तुमको दिखाई थी, रिव्यू वगैरह करा था, उसके अंदर अपन डलवा लिया, बड़ा एग्जॉस्ट डलवा लिया, मतलब कि लाउड एग्जॉस्ट डलवा लिया तुमको, जैसे मैंने बोला था कि उस बाइक के अंदर लाउड एग्जॉस्ट डलवाएंगे, बट कुछ टाइम बाद डलवाएंगे, बट कुछ टाइम बाद भी वेट नहीं किया भाई, उससे पहले डलवा लिया उसके अंदर। तो आज की वीडियो में तुमको वही दिखाने वाला हूँ कि उस एग्जॉस्ट की क्या आवाज़ है और कैसा साउंड है उस बाइक का। पीछे देख सकते हो, अपन आरएस पे निकाल कर रख रखी है, तो सीधा अपन चलेंगे वहाँ पे। बाकी तुम मौसम वगैरह चेक कर सकते हो, हर वीडियो के अंदर मौसम वगैरह बहुत क्लाउडी हो रहा है और बहुत मस्त हो रहा है। तो अपन यहाँ से अपन सीधा चलने वाले उस भाई के पास और तुमको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो ये रहा पहले सेल्फ के अंदर बाइक स्टार्ट हो गई और यहाँ से जो आवाज़ आती है ना, बहुत प्यारी आवाज़ आती है बाइक की। थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है, बट यहाँ से जो आवाज़ आती है ना, बहुत अच्छी आती है बाइक की। थोड़ा सा पेट्रोल माइलेज के अंदर डिफरेंस आता है ना, बट माइलेज के अंदर कोई डिफरेंस कितनी जरूरत नहीं होती भाई, कि एग्जॉस्ट के बगैर है ना, ऐसी बहुत अच्छी आवाज़ आती है इस बाइक के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, थोड़ी देर से फुल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में लेके निकलेंगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा सब्सक्राइबर बैठा है भाई, ये मेरा पूरा ध्यान रखता है, मतलब कि बाइक का ध्यान रखता है, इधर से ध्यान रखता है। इसको थोड़ी देर को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर माउंट वगैरह यहाँ पे लगा रखा है मैंने, माउंट के अंदर फोन इसको GoPro को डालते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो फाइनली अपन निकल चुके अपने घर से और किस्मत की बात देखो यूँ है कि आज फाटक खुला मिल गया। बाकी ये फाटक है ना, बहुत धोखेबाज है भाई, जितना इसने धोखा किया ना उतना मेरी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं किया होगा भाई मेरे साथ। वाह की मजा आ रहा है भाई, इस वजह से बाइक को राइड करना है। हाय 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 हाय, मतलब एक दिन में ना मैं ऐप रॉकी इस बाइक की ना एक बार तो 100 अबाउट टच करता हूँ, कम से कम एक बार तो कम से कम टच करता ही, और हो ही जाती है यार। ये सारी मशीन ही ऐसी है कि है ना, ना जाते जाते भी ना इसकी 100 टच हो जाती है। अंकल जी हट जाइए। तो भाई अपन चल रहे हैं अपने दोस्त के पास और भाई मज़ा आया था पिछली बार बुलेट चलाने में, वहाँ कसम, मतलब कि चलाने को बहुत कम मिलती है, मेरे पास है भी नहीं, मेरे दोस्त सर्कल में एक मेरे दोस्त के पास उसके पास ही है और उसने भाई एग्जॉस्ट लगवाया है बुलेट के अंदर। तो मैंने सोचा एक बार देख के आते हैं भाई कैसी साउंड रहती है, मैंने मेरी बाइक की भी साउंड सुन रही है और उसकी भी सुनाना चाहता हूँ मैं तुमको। यार मेरी बाइक में मन करता है यार एग्जॉस्ट डलवाने का यार, बट मैं ना ढंग से डलवाना चाहता हूँ। पिछली बार तो क्या फर्जीवाड़ा से डलवा रखा था, पाइप से करके वेल्डिंग करा के वैसे करके डलाया था एग्जॉस्ट, बट मैं ना चाहता हूँ कि ना इसके अंदर पूरा ढंग से एक बार माहौल बना दे, सिस्टम सेट कर दे एक बार, तो मज़ा आ जाए। वैसे एग्जॉस्ट डलवाना है मेरे को, बट उसके लिए भाई कम से कम ना 6-7 हज़ार रुपये चाहिए, बट 6-7 हज़ार रुपये मैं ना, अगर मेरे पास 6-7 हज़ार तो मैं एग्जॉस्ट की जगह ना भाई इस बाइक को रैप करवा दूँ पूरी, ऐसी रैप कराऊँ भाई 1 in 2 वैसे तो है ही RS 2 में 2-3 है, बट इसको ऐसी कर दूँ भाई, मतलब कि मैंने ना इसका अलग ग्राफिक्स सोच रखे हैं, एक अलग ही दिमाग पे, एक अलग ही मतलब कि वो नहीं होता क्या बताऊँ, मतलब कि जिसके पास ऐसा है नहीं, मतलब कि वो जो मतलब कि रैप वगैरह जैसा मैंने सोच रखा ना वो किसी पे है नहीं, वैसे रैप करवाने की सोच रखी है मैंने, क्योंकि भाई डिफरेंट करो हमेशा, जब भी करो डिफरेंट लगना है तो डिफरेंट करना पड़ेगा, तो मैंने वो सोच रखा है कि उसको करना है भाई, करेंगे बट जब पैसा आएगा जब करेंगे। और इस बाइक को तो ऐसे बना दूंगा भाई तगड़ी कंटाप चीज। मौसम बहुत बढ़िया है, पहले धूप वगैरह नहीं दिया, थोड़ी धूप वगैरह आ गई, बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आते वाले भाई ने काली बुरसैट फैनी है। हाँ तो भाई अब कर रहे हैं अपन लीन, लीन करते हुए आ गए यहाँ पे। कितना सर उड़े देखो, कितना सर उड़ पे ना, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है यहाँ से, कोई कहाँ से आ रहा है, समस्या ही समस्या है भाई, समस्या की समाधान नहीं है बस। अब फिर धूप गई, फिर धूप आ गई, चलता रहता है ये यहाँ पे सिस्टम, ऐसा ही है भाई। बाकी तुम देख सकते हो बना चुके हैं पुलिस लाइन साइड, यहाँ पे पुलिस वाले लोग रहते हैं भाई, पुलिस खतरनाक लोग रहते हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है भाई, इसकी मैंने पहली बार तुमको बुलेट दिखाई थी, उसकी वापस से बुलेट दिखाएंगे यार। एक तो ये धचके है ना, ये ब्रेकर ये साले दिखते नहीं है बिल्कुल भी, अंधा करते हैं, अंधे ब्रेकर होते हैं और लगती है ना जब इनकी गंदी लगती है भाई, पता ही लगता कब आ जाते हैं। तो अपने कहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न लेके मेरे को फ़ोन करना उसको, फिर देखते हैं भाई क्या साउंड आती है, चेक करते हैं, चेक इट आउट करते हैं भाई, हमको भी तो देखे क्या आवाज़ आती है क्या नहीं आती, हमने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखे भाई। बट उसमें से ना जो पंप आता है ना, मतलब कि प्रेशर से निकलता है भाई, बहुत तगड़ा प्रेशर आता है, उसने ना खतरनाक एग्जॉस्ट लगवाया है, मतलब अभी तो है ना 500 किलोमीटर भी नहीं हुई उससे पहले एग्जॉस्ट लगवा दिया भाई बाइक के, ये होना चाहिए, जोर होना चाहिए भाई। मैंने भी है ना मेरी बाइक के ना 600-700 किलोमीटर पर लगवा लिया था, फालतू बात है देख कि है ना ये अपन ऐसे लगवा लेते हैं 1 किलोमीटर बाद लगाए, जोर होनी चाहिए और बस की होनी चाहिए बाइक की अगर खर्चे को झेलने की, असली बात तो ये है।
तब एक बार भाई को फ़ोन करते हैं और देखते हैं फिर कहाँ रहता है। तो ये रही भाई अपने सामने बुलेट, इसका लॉन्ग बॉटम वाला है ये, मतलब कि अब तुम इसके ना आवाज़ सुनाता हूँ भाई, अभी तुम आवाज़ चेक कर लो और बाकी तुम सिनेमैटिक शॉट्स है ना इन्जॉय करो। तो भाई तुमने अभी चेक कर लिया होगा इसकी आवाज़ वगैरह भाई बहुत मस्त थी, बहुत मतलब कि तगड़ी आवाज़ थी, जो बोल सकते हैं ना फुल पावर, वो तगड़ी आवाज़ थी, लॉन्ग बॉटम साइलेंसर था और मैंने तुमको दिखाया सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह के साथ, और ना मतलब कि उसमें इतनी पावर थी भाई मेरे ना मतलब कि हेड्स का ना पीछे पुश कर दिया था भाई उसने, इतनी उसके अंदर आवाज़ थी। बाकी अपनी आर एस की आवाज़ है ना उससे तो बहुत गुना कम है, बहुत गुना। बाकी मैं देखो होप करता हूँ तुमको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तुमने देखा, और उसकी अगर पैसे वगैरह की बात कर ली जाए तो एग्जॉस्ट की तो वो पड़ा था उसको 1100 रुपये का, मतलब 1100 रुपीज़ का पड़ा था, और उसने लेमिनेशन वगैरह भी कराई थी तो वो 600 रुपीज़ की पड़ी थी टैंक की, तो मतलब कि 1100 रुपये में उसका एग्जॉस्ट वगैरह फिटेड वगैरह A to Z चीज़ें हो गई थी, तो मतलब कि सही तैयार आई 1100 रुपये के। भाई हमारे RS का है ना 1700 रुपये का, तो इसका सिर्फ बैंड पाई पता है, वो पूरा चेंज हो गया भाई। तो मैं होप करता हूँ तुमको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी और वीडियो भी तुमको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नहीं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज, और मिलते हैं कोई ऐसी प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खाते भी रहो।